नमस्कार दोस्तों, आज हम कच्चे आम की चटनी बनाएंगे बिल्कुल अलग तरह से। इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन होगा और बनाने में बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इस चटनी को मैंने इस तरह से बनाया है कि जब हम इसे भूनेंगे तो वो फटाफट से भून जाएगी, बहुत ज्यादा देर तक पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर एक छोटे साइज के कच्चे आम के टुकड़े को इस तरह से किसी छन्नी के ऊपर रखकर फ्लेम के ऊपर रखेंगे और उलट पलट कर भूनेंगे तो बहुत जल्दी ये भून जाएगा। और बहुत ज्यादा हमें भूनना नहीं है, बस इसमें ऊपर से कुछ काले स्पॉट आ जाए उतना ही भूनना है। साथ ही हमने एक प्याज के टुकड़े भी डाल दिए हैं, मोटे मोटे कटे हुए। दोनों ही चीजों को उलट पलट करते हुए थोड़ा 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे, उसके बाद हम इसे निकालकर एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। भूनकर चटनी इस तरह से बनाने से चटनी में बहुत ही अच्छी सौंधी सी खुशबू आती है और इसका स्वाद बिल्कुल अलग तरह का आता है। तो एक बार आप जरूर ट्राई करें इस चटनी को। अब इसी छन्नी में हमने कुछ लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और 2 लाल मिर्च डालकर भूनी है, तो एकदम तीखी और चटपटी सी चटनी बनकर तैयार होगी, जिसे आप किसी भी चीज के साथ, पकौड़े के साथ, सैंडविच के साथ या किसी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। पराठा के साथ भी अच्छे लगते हैं, स्टफ्ड पराठा के साथ या दाल चावल के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर लहसुन और मिर्च भी भुन गया है, इसे भी हम उसी प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद हम इसमें एक टमाटर को आधा आधा कट करके उसी तरह से भून लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस टमाटर का छिलका उतर जाए और थोड़ा सा सोंधा सा खुशबू उसमें आ जाए उतना ही हमें भूनना है। टमाटर डालने से चटनी का जो टेक्सचर होता है वो काफी अच्छा आता है और स्वाद भी अच्छा होता है। तो बस 1 मिनट में ही ये टमाटर भून जाएगा, इसे भी हम प्लेट में डाल देंगे। तो सभी चीजों को ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर सभी चीजें ठंडी हो गई हैं, तो अब टमाटर का हम छिलका हटा लेंगे और इन सभी चीजों को हम एक ग्राइंडर में डालेंगे। ज्यादा कुछ मसाले वगैरह इसमें नहीं डालेंगे, जो कच्चे सामान हमने भूनकर डाले हैं उनका ही स्वाद इसमें बहुत अच्छा आ जाता है। सिर्फ यहाँ पर मैंने आधी आधी चम्मच सफेद नमक और काली नमक डाली है और पुदीने की कुछ पत्तियां। आम की चटनी के साथ पुदीने का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए पुदीना, और अगर हरा धनिया डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर चटनी बना लेंगे। और हम झारखंड बिहार वालों की जान होती है कच्चा सरसों का तेल, जो हम चटनी चोखा में जरूर ही डालते हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और चटनी की सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो लाजवाब से ये चटनी बनकर तैयार है। आप इसे एंजॉय करें अपने किसी भी तरह के खाने के साथ। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।